नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। बिग ब्रेकिंग, जेल से बाहर आएंगे लालू यादव, दुमका कोषागार मामले में मिली बेल। जी हां, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजद सुप्रीमो लालू यादव जेल से बाहर आने वाले हैं। झारखंड हाईकोर्ट में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट से मिली सजा की आधी अवधि काट लेने का दावा करते हुए लालू प्रसाद ने जमानत की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। लालू यादव को 1 लाख रुपए का मुआवजा और 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। बेल बॉन्ड भरने के बाद वो 1-2 दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे। आपको बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को 7 साल की सजा सुनाई थी। इससे पहले जब कोर्ट में पिछली बार सुनवाई हुई थी, तब लालू प्रसाद की ओर से दस्तावेज पेश किए गए थे। दावा किया गया था कि उन्होंने 42 महीने से अधिक का समय तक जेल की सजा काट ली है। और तलब हो कि राजद सुप्रीमो लालू यादव को पिछले महीने 23 जनवरी को रांची के रिम्स से दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया गया था। उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्हें रांची से चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली ले जाया गया था। फिलहाल दिल्ली के एम्स में डॉक्टर राकेश यादव की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है। उनकी देखरेख में दिल्ली एम्स की एक टीम लगी हुई है। जानकारी के अनुसार लालू यादव लंग्स, किडनी और हार्ट की बीमारी से जूझ रहे हैं। बिहार में कोरोना का जबरदस्त विस्फोट, 7,870 लोग मिले पॉजिटिव, टूट गए सारे रिकॉर्ड। बिहार में वैश्विक कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है। कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर सरकार की ओर से तमाम उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े में उछाल देखा जा रहा है। बिहार सरकार की ओर से जारी ताज़ा आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कुल 7,870 नए मरीज सामने आए हैं। बिहार में बेकाबू कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को कुल 7,870 मरीजों की पहचान की गई है। विभाग ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में कुल 1,555 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें राज्य में अब तक के सर्वाधिक 7,870 संक्रमित मिले हैं। संकट के बीच अच्छी खबर, बिहार को 2 लाख वैक्सीन की खेप मिली। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक तरफ जहां लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ एक अच्छी खबर भी है। बिहार को कोरोना वैक्सीन की नई खेप मिली है। राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान को जारी रखने के लिए शुक्रवार को 2 लाख डोज कोरोना टीका आया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि सभी टीका कोविशील्ड का है। उन्होंने बताया कि शनिवार को केंद्र सरकार के निर्देश पर 2.6 लाख कोरोना वैक्सीन बिहार को भेजा गया है। जानकारी के अनुसार अब तक 56,57,953 लोगों को कोरोना वैक्सीन दिया जा चुका है। इनमें से 49,48,824 लोगों को पहला डोज और 7,09,129 व्यक्तियों को दूसरा डोज दिया गया है। बिहार पुलिस होमगार्ड सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, कैंडिडेट यहां चेक करें अपना रिजल्ट। जी हां, बिहार पुलिस होमगार्ड सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। जिन अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा पास कर ली है तथा उनका चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए भी कर लिया गया है। बता दें कि बिहार केंद्रीय चयन पार्षद की ओर से इस परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए हैं। परीक्षार्थी बिहार केंद्र पार्षद के आधिकारिक वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर अपने परिणाम देख सकते हैं। जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस होमगार्ड सिपाही भर्ती परीक्षा में 551 पदों के लिए 24 जनवरी को लिखित परीक्षा ली गई थी। सूत्रों के अनुसार लिखित परीक्षा में लगभग 1,87,784 अभ्यर्थी बैठे थे। लिखित परीक्षा में पास परीक्षार्थियों को शारीरिक दक्षता पास करना अनिवार्य था। शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत परीक्षार्थियों को दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में पास होना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा में 1,87,784 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे, जिसमें से 87 अभ्यर्थी कदाचार के आधार पर अयोग्य घोषित किए गए। शेष 1,87,697 अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका की जांच की गई। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के साथ साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा जैसे दौड़, गोला फेंक तथा ऊंची कूद आदि में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मानदंड में कोई छूट नहीं होगी। पप्पू यादव बोले, कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर की हो रही है ब्लैक मार्केटिंग, नेता और माफियाओं की मिलीभगत। बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव का कहना है कि सरकार की निष्क्रियता के कारण कोरोना अब बेकाबू हो गया है। मरीज सड़क पर दम तोड़ रहे हैं और परिजन एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भाग रहे हैं, लेकिन कहीं बेड नहीं मिल रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाओं की भारी कमी है। दवा माफियाओं और नेताओं की मिलीभगत से ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवा निजी हाथों में जा रहा है। पप्पू यादव ने आगे कहा कि हमारे देश में हमेशा धर्म की राजनीति होती है।
कभी कोई अस्पताल और स्वास्थ्य व्यवस्था की राजनीति नहीं करता। इस कारण आज हालात इतने भयावह हो गए हैं। बिहार में रोजाना सैकड़ों मौतें हो रही है। सिर्फ पारस में ही रोजाना 25 मौतें हो रही है। सरकार मौत और कोरोना पॉजिटिव मरीजों दोनों के आंकड़े छुपा रही है। सरकार पर हमला बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि जब सरकार को पता था कि दूसरी और तीसरी लहर आने वाली है तो तैयारी क्यों नहीं की गई। कोरोना से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड बनाया गया था जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपये जमा हुए, वे पैसे कहाँ गए। रेमडेसिविर आज 25,000 रुपये में मिल रही है जिसकी कीमत 8,000 रुपये है। यह दवाई कहीं नहीं मिल रही है। बिहार विधानसभा पर कोरोना का जबरदस्त अटैक। 44 कर्मचारियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद 25 तक बंद किया गया कार्यालय। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों यानी कि विधानसभा और विधान परिषद पर कोरोना का जबरदस्त अटैक हुआ है। बिहार विधान परिषद में 2 कर्मचारियों की मौत होने के बाद परिषद को पहले से ही बंद कर दिया गया है। आज विधानसभा में 44 कर्मचारियों अधिकारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसे भी 25 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। बिहार विधानसभा से मिल रही जानकारी के मुताबिक वहां आज फिर से 20 कर्मचारियों और अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें पहले 24 कर्मचारी अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। 44 कर्मचारी अधिकारियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद विधानसभा को 25 अप्रैल तक के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, प्रवासी मजदूरों को दी जाएगी नौकरी। स्किल्ड लेबर को 10 लाख का लोन। देश भर में तेजी से फैल रहे कोरोना महामारी के संक्रमण के कारण आम लोगों का जनजीवन बेहाल हो गया है। कई छोटी बड़ी कंपनियां बंद हो गई है। महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों में कोरोना के संक्रमण तेजी से फैल रहे हैं जिसके कारण बिहार के प्रवासी मजदूर एक बार फिर से पलायन करने को मजबूर है। भारी संख्या में लोग बिहार लौट रहे हैं। शुक्रवार को बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। बिहार सरकार ने श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा से शुक्रवार को कहा है कि कोरोना महामारी के कारण पलायन को मजबूर प्रवासी मजदूरों को बिहार में ही नौकरी दी जाएगी। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा है कि कोरोना के समय दूसरे राज्य से बिहार आने वाले मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। उसके लिए उनकी कुशलता को देखते हुए 10 लाख रुपए तक का लोन उन्हें दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें सरकार की ओर से 5 लाख का अनुदान दिया जाएगा। शेष बचे 5 लाख 84 किस्तों में उन्हें वापस करना होगा ताकि वे सुचारू रूप से अपना रोजगार स्थापित कर सके। सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आरंभ की है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा उद्योग स्थापित करने पर 10 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पंचायत चुनाव के लिए आगे बढ़ी बात। राज्य आयोग ने केंद्र से मांगे 7-8 लाख ईवीएम। बिहार में पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को 7-8 लाख ईवीएम की आवश्यकता होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने केंद्रीय चुनाव आयोग के समक्ष अपनी बात रख दी है। गुरुवार को हुई दोनों आयोग के बीच बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग ने सिंगल पोस्ट ईवीएम की मांग रख दी है। हालांकि बुधवार की बैठक में ही इस बात पर लगभग सहमति बन गई थी। बिहार में सिंगल पोस्ट ईवीएम से मतदान कराए जाएंगे, लेकिन गुरुवार को बातचीत आगे बढ़ी और इस पर चर्चा हुई कि सिंगल पोस्ट ईवीएम कहां से उपलब्ध होगी ताकि बिहार में समय पर चुनाव हो सके। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें कम से कम 20 से 25 दिनों का वक्त लग सकता है। इधर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने कहा है कि 7 से 8 लाख ईवीएम उपलब्ध हो जाते हैं तो चुनाव कराने के समय कम लगेगा, लेकिन तब मामला इस पर निर्भर करता है कि उन्हें कितने ईवीएम उपलब्ध कराए जाएंगे। कोरोना के बीच महंगाई का डंक, 8 साल में थोक महंगाई सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंची। देश एक तरफ कोरोना से परेशान है, आम लोगों के जीवन पर संकट बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ महामारी के बीच महंगाई का डंक भी जनता को झेलना पड़ रहा है। कच्चे तेल और धातु के बढ़ते दामों के कारण थोक कीमतों पर आधारित महंगाई मार्च में 8 साल के उच्चतम स्तर 7.39% पर पहुंच गई है। पिछले साल कोविड के कारण लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के चलते दाम कम थे। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति फरवरी में 4.17% और मार्च 2020 में 0.42% थी। मतलब यह है कि एक तरफ कोरोना की मार और दूसरी तरफ महंगाई की वार, लोगों के सामने महामारी से जीवन बचाने की चुनौती है तो वहीं जिंदा रहने के लिए महंगाई झेलने की मजबूरी। सरकार के दावे अपनी जगह है, लेकिन आम लोगों को महंगाई का झटका लगातार मिल रहा है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।